chào các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Hy vọng các video sẽ mang lại cho các bạn sự thỏa mãn giải trí hàng ngày. Nếu thấy hay, hãy cho tôi một like và chia sẻ để mọi người cùng theo dõi. Nếu thấy không hay, cũng hãy cho tôi một like và để lại ý tưởng của bạn ngay dưới phần bình luận. Ngay bây giờ, hãy ấn đăng ký theo dõi kênh. आपके बोन्स आपके मसल्स हो आपके ब्लड हो हर चीज में आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो जब सेरी करते हो तो 30% प्रोटीन होना चाहिए बाकी का काम से करते हो तो अगर मुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी इसमें क्या करते इसका आधा चम्मच में डेली सेरी में लेती हूं इससे मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस पाउडर में ले लेती हूं क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर नहीं है इसका मेन बेनिफिट मुझे अच्छा लगता है इसमें मल्टीविटामिन है बहुत सारे विटामिन है जैसे इसमें विटामिन ए बी सी डी ई सारे विटामिन है इसके अलावा इसमें आयरन जिंक कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी है ये सारे मल्टीविटामिन आपकी स्किन के लिए आपकी हेयर के लिए बहुत यूजफुल है आपकी स्किन और हेयर दोनों को ब्यूटी प्रोडक्ट है तो ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट हो जाता है मेरी स्किन और मेरी बॉडी के लिए हेयर के लिए उसके अलावा जिसके लिए मैंने इसको यूज करना शुरू किया था वो था पीसीओएस के लिए एक्चुअली इसमें कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स है जैसे शतावरी है इसमें फ्लैक्स सीड है तुलसी है कर्क्यूमिन है स्पेशली शतावरी है ये पीसीओएस हार्मोनल इंबैलेंस होता है उसको ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा है तो पीसीओएस और थायराइड जैसे आपको प्रॉब्लम है अगर वेट लूज करना चाहते हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है हार्मोनल जो इंबैलेंस होता है उसको ट्रीट करने के लिए उसके अलावा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है अगर अच्छी एक्सरसाइज करके डाइट फॉलो वगैरह करते हो तो ये और ज्यादा आपको हेल्प करता है वेट लूज करने में इसमें कोई सोया नहीं है इसमें कोई ग्लूटेन नहीं है इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसमें कोई शुगर एडेड नहीं है इसमें कोई स्वीटनर नहीं है बिल्कुल ये सारी चीजें फ्री है बिल्कुल नेचुरल है अगर एक्सरसाइज करते हो तो इसका एक स्कूप आपको लेना स्कूप के साथ ही नहीं आता है इसका एक चम्मच लीजिए पानी या दूध किसी में भी डाल के पी सकते हो हां अगर वेट लूज करना चाहते हो तो स्किम में का यूज करें ठीक है और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो इसका आधा चम्मच लीजिए पानी या दूध सिंपल है इसको कंज्यूम करना भी ज्यादा बीमारी नहीं है इसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है प्लस इसकी बॉडी हेल्दी और फिट बनी रहती है अगर बेबी मेंटेन करते हो आपको हार्मोनल बैलेंस की जो थायराइड प्रॉब्लम है फिट होती है आपकी स्किन और हेयर भी बहुत अच्छा तो मेरी तरफ से बिल्कुल इवन प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना चाहते हो कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक आउट करना इसके अलावा मैं आपको बोलूंगी आप सहरी में एक और चीज इंक्लूड करें और वो है सब्जा सब्जा और चिया सीड्स दोनों अलग अलग ठीक है सब्जा को आप थोड़ी देर पानी में भिगो दें बिल्कुल इस तरह से खुल जाता है और इसको आप खाओ ये क्या है क्योंकि रोजा जब हम रखते हैं तो पानी की बहुत आसती है डिहाइड्रेशन हो जाता है तो इसीलिए उसको अवॉइड करेंगे सब्जा जो है आपकी बॉडी में से पानी का लॉस होने नहीं देता आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है जो रोजे में बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए सहरी में एक मतलब सब्जा का भी खाओ तो ये कुछ ऐसी चीजें आपको ध्यान रखना है अगर ऐसी करोगे तो आपकी रोजे जाएंगे ज्यादा वेट नहीं होगा आपका वेट लॉस भी होगा ठीक है इफ्तार में कहीं पर भी लिखा है कि आपको जो है तली हुई चीजें खानी है आपको फ्राइड चीजें चिकन खाना है आपको पकौड़ा ही खाना है कहीं पर नहीं लिखा है इफ्तार में सिंपल खाना खाते हो तो छोटा मोटा बिल्कुल सीधा दिखाओ इसलिए नहीं कि आपने दिन भर भूखे थे तो आप एक फूड पड़ोगे खाने पर ऐसे नहीं करना है अल्लाह की रहमत ये बरकत है आपको रूटी है लेकिन तली हुई चीजें खानी है मीठी चीजें खानी जरूरी है जो आप खाते हो खाइए आपको क्या खाना है आपकी स्टाइल में आप बेहतर से बदला दो फ्रूट होता है फ्रूट का क्या करो चाट बनाओ फ्रूट चाट बनाओ ऐसे क्या फ्रूट खा सकते हो आप कलिंगर खाओ क्योंकि उसमें ज्यादा पानी होता है तो आपकी बॉडी को पानी से बदल के कैलोरी चाहिए